तो ये सारे अलाउंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे इन्होंने अमाउंट बता दिया 146,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन अलाउंस अभी एक्सक्लूड करा हुआ है। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन अलाउंस का मतलब ये होता है आपसे मांगा क्या है, केवल नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब की अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। और ये जॉब की अपडेट जो लॉ के अंदर अपनी एलएलबी पूरी कर चुके हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की अपडेट हमारी कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा आई हुई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRDAI के नाम से जाना जाता है। यहां पे फ्रेशर्स के लिए नौकरी आई हुई है। एंड यहां पे अगर सैलरी की अगर मैं बात बताऊं तो 146,000 रुपए आपके हाथ में सैलरी बनेगी, और सारे के सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद में, एक अलाउंस को छोड़ने के बाद मैं आपको ये चीज आपका शो भी करूंगा कितने फेज में एग्जाम होगा और एग्जाम किस पैटर्न में किया जाएगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म कब तक हमारे खुले रहेंगे और क्या हमारी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है ये, और रिजर्वेशन के बारे में क्या बताया हुआ है, ये सारी की सारी अपडेट आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। सबसे पहली बात, मैं मुद्दे की बात करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे 20/9/2024 तक के लिए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, केवल और केवल एक महीना आपको मिला है 20 सितंबर 2024 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात करी जाए तो आपका जो एग्जाम है वो चार फेजेस में होगा। पहला फेज वन एग्जाम जो कि ऑनलाइन एमसीक्यू वाला एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा वो भी बताऊंगा। फिर होता है हमारा, आपने अगर ऑनलाइन वाला एग्जाम अपना क्लियर कर लिया है देन फेज टू में आ जाइए। फेज टू में आपको अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर तीन पेपर होंगे, ठीक है, अपना एसे राइटिंग हो गया और भी दो अपने इंश्योरेंस के पेपर हो गए, वो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बिठा दिया जाएगा और क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, आंसर जो आपको आंसर शीट पे लिखने पड़ेंगे। और जो आपका ऑनलाइन वाला पेपर होगा एमसीक्यू वाला, वो आपको कंप्यूटर के आगे बिठाया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर ही आपको अपनी मार्किंग करनी पड़ेगी, बात खत्म हो जाती है। दो फेज हो गए। तीसरा होगा हमारा इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट होगा। चौथा हमारा होगा मेरिट लिस्ट। फिर चौथे फेज में आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में कितने नंबर लाए हो और इंटरव्यू में कितने नंबर लाए हो, तो पेपर टू फेज टू और इंटरव्यू के मार्क्स इवेलुएट करके मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे एंड असिस्टेंट मैनेजर लॉ की कैटेगरी के अंदर आप यहां पे पोस्ट ले लोगे। इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो अगर मैं मुद्दे की बात करूं तो यहां पे लॉ की कैटेगरी के, यहां पे अलग अलग कैटेगरी के लिए, लेकिन हम तो लॉ वाले, हम तो लॉ वालों की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है। अब मुद्दे की बात करते हैं डायरेक्टली, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये अपना रिजर्वेशन क्राइटेरिया बताया हुआ है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो हम रिजर्वेशन यहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म मैंने आपको बता दिया 21 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और 20 सितंबर तक आपके पास टाइम पीरियड है अपना फॉर्म भरने के लिए। और प्रीलिम्स का एग्जाम आपका कब होगा, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो जैसे कि सितंबर तक तो आपको फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जा रहा है, तो अक्टूबर या नवंबर तक एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो है ऑनलाइन पेपर आपका प्रीलिम्स का कंडक्ट करवाया जाएगा, ये बात भी हमारे क्लियर हो जाती है। अब मैं फॉर्म कैसे भरूं, बस आपको इस पे क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक कर दोगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए मिलकर आ जाएगा, बस इस पे क्लिक करना है आपको अपने माउस के कर्सर के लिए। जब आप अगर फॉर्म देख अपना वीडियो देख रहे होंगे तो इसका जो आपको पीडीएफ फाइल है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, तो जितने लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं करा है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका पिन लिंक मिल जाएगा। बाकी हम आगे की बात करें, अब इसके अंदर एज लिमिट बता रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो 21 साल का है, कोई भी व्यक्ति जो 21 साल से 30 साल से कम उम्र का है, उनके पास अगर एलएलबी की डिग्री है बढ़िया है, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल एंड जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर है उनको यहां पे एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, और अगर कोई एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी में है तो उनके लिए रिलैक्सेशन 5 साल का दिया हुआ है, यह बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। अब अगर बात करें तो ये रही हमारी लॉ की कैटेगरी की वैकेंसीज, ठीक है, यहां पे बोला है केवल आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए एंड मिनिमम उसमें 60% होने चाहिए। आपने अपना एनरोलमेंट करवाया है बार काउंसिल के अंदर या नहीं करवाया है कोई मतलब नहीं है, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है, केवल बोला है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 60% मिनिमम होने चाहिए, बात खत्म। इसमें और आगे की बात करी जाए तो यहां पे इन्होंने एक चीज और बता रखी है कि जैसे कि अगर आपने मार्क्स सीजीपीए के अंदर आपको दिए हुए हैं तो सीजीपीए के अंदर ये वैल्यूएट कर रखा है कि अगर किसी के 6.75 सीजीपीए आई है तो उसके 60% माने जाएंगे, अगर इससे कम है तो 55 फिर 50 तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। लॉ की डिग्री है तो मिनिमम 60% आपके होने मैंडेटरी है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी करी जाएगी, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना तो उसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग भी करी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग वही, एक नंबर का एक क्वेश्चन अगर है तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, सिंपल बात यहां पे बता रखी है। और ये फेजेस के अंदर बताया, पहले हम आपका प्रीलिम्स का एग्जाम लेंगे, ठीक है,
फिर हम आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में तीन पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। इसके बाद फिर हम आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर इसके बाद इंटरव्यू लेने के बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। और मैं आपको एक क्लैरिफाई कर दूं, ये क्वेश्चन पेपर है ये आपका इंग्लिश के अंदर भी होगा और आपका हिंदी के अंदर भी होगा, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फेजेस में आप अपना एग्जाम दे सकते हो, लेकिन जो पेपर अपना प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज का होगा यार, वो हिंदी में आप नहीं दे सकते, उसके लिए इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश में आपको जवाब देना पड़ेगा। सिंपल सी बात यहां पे एक और बता रखी है, ठीक है जी। और यहां पे एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप फेज वन का एग्जाम क्लियर करोगे तभी फेज टू में आओगे, फेज टू का एग्जाम क्लियर करोगे तभी आप इंटरव्यू में आओगे, ये बात को याद रखिएगा। अब अगर मुद्दे की बात करी जाए कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस ये है कि पेपर वन पहला आपका पोर्शन होगा रीजनिंग का पेपर 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के टोटल 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो आपको अपना कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। उसके बाद ये आपका पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन अगर जो अगर कोई पेपर अपना इंग्लिश लैंग्वेज का है वो तो भैया आपको केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा। अब यहां पे नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए, नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में होगी, 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे कोई भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो, ये भी बात हमारे को समझ में आ जाती है। अब अगर और मुद्दे की बात करी जाए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर का सिलेबस इन्होंने बोला है कि आप एनेक्सजल नंबर 2 में जाके चेक करिएगा, अभी एनेक्सजल नंबर 2 भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एक पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर वन हमारा इंग्लिश का होगा, पेपर टू इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो हमारे चलते रहते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, वो आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें कौन सा पोर्शन प्रिपेयर करना है वो हमारे को सिलेबस में बताया हुआ है, और इसमें बोला इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का एक पेपर 3 होगा, तीनों पेपर 100 नंबर के होंगे, 60-60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। चलो ये भी बात हो जाती है, ये लिखने वाला पेपर है। अब इसको आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिखो, लेकिन जो पेपर वन है वो केवल इंग्लिश का है तो यार वो तो आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात यहां पे भी हमारे को बता रखी है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका हो जाने के बाद फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। अब हम बात आ जाती है डायरेक्टली कि सैलरी के बारे में, मैं सैलरी के बारे में बता देता हूं। यहां पे आपको बेसिक पे आपका है 44,500 पर मंथ, प्लस डियरनेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस जो टाइमली बेसिस पे हमारे अप्रूव करे जाते हैं। तो ये सारे अलाउंस को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहां पे इन्होंने अमाउंट बता दिया 1,46,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन अलाउंस अभी एक्सक्लूड करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन अलाउंस का मतलब ये होता है आपसे मांगा क्या है, केवल LLB की डिग्री मांगी है, लेकिन साथ में अगर आपके पास LLM की डिग्री भी है, साथ में आपके पास अदर कोई डिग्री भी है, साथ में आपके पास PhD की डिग्री भी है, तो उसके अलग पैसे आपको एक्स्ट्रा तौर पे मिले जाते हैं ड्यू टू योर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। तो इसलिए क्वालिफिकेशन ये बाद में दिया जाता है एज पर कैंडिडेट, कि हर एक कैंडिडेट को देखा जाएगा ना उसके पास और डिग्री या और एक्सपीरियंस है किसी कंसर्न चीज में या नहीं है, तो उस बेसिस पे पैसे और बढ़ जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। अब हम डायरेक्टली यहां पर बात करेंगे कि यहां पर हमारा जो पेपर है उसका सिलेबस क्या है, एनेक्सजन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। एनेक्सजन नंबर 1 जो है हमारे बात करता है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब बच्चे लोग आप अपना पेपर जो फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको फोटोग्राफ का ये इंच याद रखना है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात, आपको एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो डेक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है, वरना मेरे पे कमेंट आएंगे कि सर डेक्लेरेशन फॉर्म में क्या लिखे, कैसे लिखे और क्या करना है, तो ये फॉर्मेट हमारे को दिया हुआ है, सारी चीजें इस चीज के अंदर अवेलेबल है। इस PDF को अगर आप ढंग से समझोगे, ठीक है, और हैंडराइटिंग में लिखना है, अपने हाथों से लिखना है, काली कागज के ऊपर इंग्लिश में लिखना है, केवल हिंदी में नहीं लिखना, जो इन्होंने बोला हुआ है केवल वही लिखना है, ठीक है, कि मेरा नाम लिखना है और ये डिक्लेयर करता हूं बाद में नीचे अपना सिग्नेचर विद डेट, बस हो गया आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम एनेक्सजन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ये रहा हमारा डिस्क्रिप्ट का सिलेबस, इंग्लिश के अंदर आपसे एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस आपसे पूछा जाएगा। पेपर 2 जो सोशल और इकोनॉमिक इंश्योरेंस के रिगार्डिंग इश्यूज होते हैं ये आपसे सारे का सारा सिलेबस के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है जी। एंड पेपर नंबर 3 में इंश्योरेंस का पार्ट ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस लॉ भी पूछा जाएगा, इंश्योरेंस का बैकग्राउंड भी पूछा जाएगा, इंश्योरेंस होता क्या है, इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब बस, और ये जो अगर कोई STSC से कैटेगरी से अगर बिलोंग करता है तो उसके लिए अपनी एप्लीकेशन दे रखी है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इन एप्लीकेशन का मदद करके आप कंप्लाइंस करोगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से क्विक तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, और इस वीडियो के अंदर जो जो जानकारी दी गई है ऑफिशियल PDF से बताई गई है, और ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। केवल लॉ की डिग्री एक रिक्वायरमेंट है, केवल फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल से 30 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1,46,000 रुपए सैलरी आपकी बनेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अपने आप में एक परमानेंट जॉब है ये, और लाइफ टाइम के लिए जब तक आप रिटायर्ड नहीं होगे ये आपको तब तक के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई टेम्परेरी बेसिस पे, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब नहीं है। तो मैं अगर एक लॉ ग्रेजुएट हूं
और मैं जॉब की तैयारी, अगर मेरे को कोई जॉब की रिक्वायरमेंट है, सरकारी नौकरी की रिक्वायरमेंट है, ये सबसे बेस्ट पोस्ट है आपके लिए, याद रखना। तो जितने लोग अपर इस वीडियो को देख रहे हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप लोगों ने अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो दोनों लोग एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर सभी लोगों के बीच में जरूर करिएगा, एंड इस जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में सभी लोगों को अवेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू, धन्यवाद।